हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर टेंथ ऑफ मे 2021 तो so, 10 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फ्रेंड्स एक बात पूछना चाहता हूं कि जैसे अभी अपन क्या कर रहे हैं हम लोग प्रिलिम्स ऑफ द डे प्लस मैप एक्सरसाइज प्लस मेंस क्वेश्चन ऑफ़ द डे ये न्यूज़ एनालिसिस के साथ ऐड करते हैं मतलब न्यूज एनालिसिस रहता है आगे लेकिन ये चीज़ें भी रहती है तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये दो क्या सेपरेट वीडियो बनाऊं आई मीन कि प्रिलिम्स क्वेश्चन प्लस मेंस क्वेश्चन प्लस मैं मैप ऑफ द डे ये तीन का एक वीडियो बना सकता हूँ सेपरेट ताकि आपको मैप भी मिल जाएगा और अगला दूसरा जो एक दो एक और वीडियो बना दूंगा डेली में ये न्यूज़ एनालिसिस का तो इफ़ यू वांट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो वेदर इट विल बी गुड फॉर यू या फिर आप किस तरीके से चाहते हैं या फिर कहो तो मैं एक वोटिंग भी रख लूँगा एंड उसके अकॉर्डिंग अपन काम कर लेंगे ठीक है ना तो ये सजेशन आप लोग अगर दे पाएँ तो दैट विल बी वेरी गुड फ्रॉम योर साइड कई लोग क्योंकि मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि मैं मैप्स के सेपरेट वीडियो बनाऊं देखो मैप के सेपरेट वीडियो प्लस न्यूज एनालिसिस में वीडियो नहीं हो पाएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैप के वीडियोस अलग रहे तो मैप ऑफ द डे प्रिलम्स क्वेश्चन ऑफ द डे एंड मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे मैं तीनों का एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ एक वीडियो में एंड देन आपका न्यूज एनालिसिस का दूसरा वीडियो तो इफ़ यू वॉन्ट इफ यू आर हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो ठीक है ना आज के न्यूज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस ऑफ़ द डे के साथ ठीक है ना आज हम क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ स्टार्ट कर रहे हैं पहला है प्रीलिम्स क्वेश्चन एमजी गायकवाड़ कमीशन ऑफेंस सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद एमजी गायकवाड़ कमीशन इनमें से किसके साथ रिलेटेड है ऑप्शन आर ए क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम बी रिजर्वेशन टू द मराठा कम्युनिटी सी स्टडी ऑफ कोविड इम्पैक्ट टू कैप्टिव एनिमल्स एंड डी असेसमेंट ऑफ इंक्रीजिंग मीथिन गैस इन इंडिया क्वेश्चन नंबर टू है With respect to 102nd Amendment Act 2018, consider the following statements. 102nd Amendment Act regarding statements. The first statement says, it inserted a new article 338B in the Constitution which provides for National Commission for Backward Classes. Second statement says, it inserted article 342A which empowers the President to notify the list of socially and educationally backward classes of the state. और यूनियन टेरिटरी कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म रोग प्लैनेट रोग प्लेनेट इनमें से कौन सा एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आर अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग टू स्टार्स अ प्लेनेट दैट ऑर्बिट नन ऑफ द स्टार प्लैनेट दैट हैजप्रिडिक्टेबल ऑर्बिट्स या अ प्लान डिस्टर्ब दोलार सिस्टम दीज आर द्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप इनका आंसर करने की कोशिश करिएगा ठीक है ना नेक्स्ट हम देखते हैं मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे आज का मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं एंड दैट क्वेश्चन इज वाई डिड द सेकेंड वेव ऑफ कोविड नाइनटीन

Uh, 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 मतलब अभी क्या हुआ था 28 अप्रैल 2021 को अगर आपको याद हो मैंने एक न्यूज बताई थी कि चाइना ने लॉन्ग मार्च फाइव बी रॉकेट लॉन्च किया है द रॉकेट कैरी द टियानहे कोर मॉड्यूल ऑफ द चाइना स्पेस स्टेशन ठीक है ना तो उसने उसमें उन्होंने तियानहे कोर मॉड्यूल जो था चाइनीज स्पेस स्टेशन का उसको रिलीज किया था Now, tons, It enter, enter orbit, ना द त्याने कोर मॉड्यूल वेटेड ट्वेंटी टन वन ऑफ द हैवीएस्ट स्पेस मॉड्यूल्स इट यूज इट्स ओन प्रपलशन टू इंटर इंटर इन टू दर्बिट ठीक है ना लेकिन हुआ क्या द फर्स्ट स्टेज इट बिगेन टू डिके ड्यू टू द एटमोसफेरिक ड्रैग ये एटमोस्फेरिक ड्रैग के कारण क्या हो रहा है हो गया ये डिके होना शुरू हो गया ठीक है ना नाउ दिस लॉन्ग मार्च फाइव बी रॉकेट दिस रॉकेट यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज जो हिंदू में भी लास्ट के पेजेस में आई है तो यहाँ पे देखो लिखा है डेबरी फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ चाइनाज लॉन्ग मार्च रॉकेट तो चाइना का जो लॉन्ग लॉन्ग मार्च रॉकेट था उसका जो लास्ट स्टेज से एटमॉस्फेरिक ड्रैग के कारण वहाँ बर्नआउट होकर के जो उसका कंपोनेंट है डेबरी है वो कहाँ पर गिरा है इट हैज़ फॉलेड इन द इंडियन ओशन ठीक है ना मालदीव्स के पास ये गिरा है

अगर आप पूछे कि अब तियानहे जो मॉड्यूल था इनका क्या ये सक्सेस हुआ तो ये फेलियर मेरे अकॉर्डिंग तो ये फेलियर है है ना कई न्यूज़पेपर में नासा ने भी इसको फेलियर ही बताया है सो दैट हैज बिन द केस दिस लॉन्ग मार्च फाइव बी वाई टू रॉकेट वॉज कैरिंग द तियानहे और हेवनली हारमोनी मॉड्यूल तो इसको तियानहे को ही हेवनली हारमोनी मॉड्यूल बोलते हैं ये मैंने आपको बताया था कि तियानहे को क्या बोलते हैं हेवनली हारमोनी बोलते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइनाज स्पेस स्टेशन तो चाइना अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाला है चाइना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है एंड वो उनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा तियानहे का जो मीनिंग होता है वो हैवेनली हारमोनी होता है एंड तियानहे विल एक्ट द मैनेजमेंट एक्ट द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हब ऑफ दिस स्पेस स्टेशन जो ये तियानहे था दिस विल भी एक्टिंग एज द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हब ऑफ द स्पेस स्टेशन ऑफ द विच इज द तियांगोंग तो इसका जो ये जो है आपका स्पेस स्टेशन इसको तियांगोंग बोलते हैं तियांगोंग मतलब है तियांग का मतलब होता है हेवेनली पैलेस तियांगोंग का मतलब होता है हेवेनली पैलेस और उसके अंदर तियानहे जो रहेगा मेन कंट्रोलर के रूप में रहेगा वो उसका मतलब है हेवेनली हारमोनी सो दिस वॉज द न्यूज आइटम फ्राम दैट अब अगली जो न्यूज है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया है Perseverance Rover से Perseverance Rover से मतलब वो वीडियो हुआ था of the Ingenuity Helicopter. तो यहाँ पे देखो ये, बताने का मेरा कारण ये है नासा का, पता Perseverance Rover कहां, पे, कहां का mission है टू द मार्स मंगल ग्रह पे नासा का मिशन है ठीक है ना नासा का मिशन है Perseverance Rover. अब इसमें क्या था ये जो रोवर था, था इसमें सिक्स व्हील्स हैं ठीक है ना एंड यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी था इसके साथ उसका नाम था इन हेलीकॉप्टर इन जेन्यूटी हेलीकॉप्टर अब इन जेन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है उसने वहाँ पे फ्लाइट भरी है उसका वीडियो शॉट किया गया है और ये जो मिशन है वो गया कहाँ पर है जेजेरो करैटर पर याद रखिएगा नासा के ये मार्स का जेजेरो जेजेरो क्रैटर है जहाँ को स्टडी जहाँ पे स्टडी कर रहा है अर्लियर लाइफ के जो एविडेंसेस हैं माइक्रोबियल लाइफ के एविडेंसेस हैं उनको पता करने के लिए ये सारी चीजें पता करने के लिए परजीवरन रोवर नासा का मिशन है जो कि भेजा गया है उसके अंदर एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम है इन हेलीकॉप्टर इन जेनविटी हेलीकॉप्टर और उसने वहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट भरी थी ये भी मैंने आपको बताया था इसके अलावा कुछ और टर्म्स थे जो मैंने आपको मैं आपको बता रहा था मैंने बताया कि सिक्स व्हील्ड रोबोट है ये सिक्स व्हील्ड रोबोट है विच वॉज देयर एंड तीन मिनट का भी वीडियो शूट किया गया है जेजेरो क्रैटर पे ठीक है ना जेजेरो पे लैंडिंग इसकी मार्स मार्स पे थी 2020 में एंड जेजेरो जेजेटर आपको पता है यहाँ पे स्टडी हो रही है देन रिसेंटली क्या क्या और डेवलपमेंट हुए थे इसमें तो इसमें मॉक्सी मॉक्सी एक इसका एलिमेंट है जिसको मैंने बताया था मॉक्सी जो एलिमेंट है वो प्रजीवरेंस का ही एलिमेंट है एंड ये कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन पे तो जो मॉक्सी कंपोनेंट है जिसको मैंने बताया था आपको मॉक्सी कंपोनेंट क्या करता बता है इट कन्वर्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑक्सीजन तो ये भी मैंने आपको बता दिया फिर इसके अलावा मैंने इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर ने हिस्टोरिक वहां पे फ्लाइट रखी थी भरी थी ये भी मैंने आपको बताया था ठीक है ना एंड uh, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि परसिवरेंस मिशन से रिलेटेड आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगली न्यूज है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ कंपनीज एंड ऑडिटर्स तो अब एन ए क्या कर रहा है एक डेटाबेस बना रहा है कंपनीज का एंड ऑडिटर्स का मतलब कि एक बेसिक प्रिमिनरी डेटाबेस पूरा कंट्री के लेवल का बना रहा है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो है क्या इट तो इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर याद रखेगा नेशनलिटी तो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अब ये क्या है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो की ओवर सी करता है दोफेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड एंड थर्टीन क्या काम करता है करता है ऑडिटिंग प्रोफेशन को और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया में अंडर audit कितना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट uh, हुआ फिर उसका क्या होता है कि ऑडिटिंग जो बॉडीज रहती है फिर वो ऑडिट करती हैं मतलब कि वो देखते हैं कि जितना uh, कि होना चाहता उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ रेवेन्यू का क्या सोर्स था किस तरीके से मनी का एलोकेशन किया गया ठीक है ना ये सारी चेक करने के लिए ऑडिटिंग होती है ठीक है ना तो ऑडिटिंग प्रोफेशन प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या ये सब करने के लिए एन एफ आर ए बनाया गया है

दिस दिस वाज इम्पॉर्टेंट न्यूज आइटम इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली नोटिफाइड सम रीजन अराउंड द थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी एज द इको सेंसिटिव जोन तो अब क्या किया थाने ए, 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 क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी सबसे पहले तो आपको लोकेशन याद रखना है थाने जो क्रीक है वो किसके लिए है फ्लेमिंगो सेंचुरी कहलाती है उसे थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी कहलाती है ठीक है ना तो थाने क्रीक फ्ले, फ्लेमिंगो सेंचुरी के अराउंड का जो रीज़न है री, री, कुछ और मतलब एरिया आपको इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसका अराउंड जो रीजन है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है इन द इको सेंसिटिव जोन ठीक है ना ड के रूप में ठीक है ना इको सेंसिटिव जोन के रूप में किया गया है अब ये क्या होगा इको सेंसिटिव जोन के रूप में करने से क्या होता है कि जो रीजन होता है जिसको इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाता है तो वो बफर रीजन की तरह काम करता है प्रोटेक्टेड एरियाज में एंड दे रिड्यूस द डेवलपमेंटल प्रेशर अराउंड द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इससे होगा क्या कि अब जितना भी रीजन जितना भी पार्ट आपका इको सेंसिटिव कर दिया गया है वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और इस तरह की चीजें नहीं बन पाएंगी तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो एक्सेसिव प्रेशर आ रहा था वो नहीं आएगा थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी का अगर हम बात करें तो सेकंड मैरीन सेंचुरी है महाराष्ट्र में आफ्टर द मलवन सेंचुरी तो वहां पे ऑलरेडी एक मैरीन सेंचुरी है मलवन नाम की सेंचुरी महाराष्ट्र में मलवन सेंचुरी भी है उसके अलावा ये दूसरी मैरीन सेंचुरी है जो कि महाराष्ट्र में है एंड इट इज रिकोगग्नाइज एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में इसको रिकोगनाइज किया गया है बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी तो बी ने ऑलरेडी इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में किया है लेकिन याद रखना कि सेकंड वहाँ की मेरीन सेंचुरी आफ्टर द मलवन सेंचुरी ठीक है कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से महाराष्ट्र के तो संजय गांधी नेशनल पार्क है आपका महाराष्ट्र में ही है है ना बोरीवली के पास है ये तड़ोवा अंधरी टाइगर रिजर्व भी है वहां पे महाराष्ट्र में कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उमेद पावनी करधंडला कर, करधंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शहयाद्री टाइगर रिजर्व है और मेलघाट टाइगर रिजर्व है नवेगांव नेशनल पार्क है सो दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज इको सेंसिटिव जोन क्या होता है इको सेंसिटिव जोन जो होता है वो इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया होता है विद इन टेन किलोमीटर्स अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज है ना मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज के दस किलोमीटर बाहर तक आपका क्या रहता है इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया माना जाता है उसको हम इको सेंसिटिव जोन बनाते हैं ठीक है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ठीक है अब यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है

कमर्शियल यूज़ ऑफ वुड टूरिज्म एक्टिविटीज़ लाइक हॉट एयर बलून्स ओवर द नेशनल पार्क डिस्चार्ज ऑफ एफ्लूंट और एनी सॉलिड वेस्ट और प्रोडक्शन ऑफ हेजारडे सब्सटेंसेज ये सारी स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेजर हाइड्रोलिट्री प्रोजेक्ट ये सब मना किया गया ठीक है ना दीज आर द प्रोहबिटेड एक्टिविटीज़ देन रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं फायलिंग ऑफ ट्रीज इस्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम एडोप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी पेस्टिसाइड वाइडनिंग ऑफ रूट्स ये सारे रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं मतलब कि इनमें रेगुलेशन किया जाता है इनको अलाउ हर समय नहीं किया जाता कभी अलाउ कर सकते हैं कल लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनको अलाउ नहीं किया जाता है एंड देन फिर कुछ परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को डेवलप करना चाहते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कुछ करना चाहते हैं और डी कल्चरल प्रैक्टिस के लिए कुछ करना चाहते हो तो दीज आर द अलाउड एक्टिविटीज आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दट हाउस आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज न्यूज आइटम्स एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा एन एफ आर ए जो मैंने बताया था एन एफ आर ए में याद रखेगा कि एन एफ आर ए का जो मतलब चेयरपर्सन होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और मैक्मम देन फिफ्टीन मेंबर्स और होते हैं उसमें फिफ्टीन मेंबर्स और मैक्सिमम हो सकते हैं ठीक है थीके? तो चेयरपर्सन प्लस फिफ्टी मेंबर्स ऐसा कंपनीज एक्ट के अंतर्गत मैंशन है और चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो तो आज का जो मैप हमने लिया है वो है मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया एनसीईआरटी का मैप है मेजर सॉइल टाइप्स कौन कौन सी इंडिया के देखो जो मेजर सॉइल टाइप्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं फॉरेस्ट सॉइल्स एल्यूवियल सॉइल्स रेड एंड येलो सॉइल ब्लैक सॉइल लिटराइट सॉइल एरिड सॉइल सो दीज आर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया एक एक करके हम देखते हैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एलिवियल सॉइल का देखो एल्यूवियल सॉइल यहाँ पे डॉट्स से यहाँ पे मैंशन है तो अपन डॉट्स वाली चीज़ें जितनी भी हैं ये देखो ये एल्यूवियल सॉइल है एल्यूवियल सॉइल डॉट्स से मैंशन है तो अपन डॉट्स वाली जगह देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एल्यूवियल सॉइल जो पाई जाती है जो आपकी यूपी वाली बेल्ट है थोड़ा सा पंजाब का रीजन भी लेती है थोड़ा सा इस वाले रीजन को लेती है देखो यहाँ पे ये एल्यूवियल सॉइल का ये पूरा बेल्ट जो है एल्यूवियल सॉइल का बेल्ट है ठीक है ना यूपी वाला रीजन मोस्टली इसके अंतर्गत आता है देन हल्का सा पार्ट आपका असम रीजन का भी आता है असम रीजन में भी आता है एल्यूवियल सॉइल का पार्ट गुजरात थोड़ा सा राजस्थान याद रखिएगा थोड़ा सा राजस्थान थोड़ा सा एमपी वाला पोर्शन तो ये रीजन में आपका मेजरली जो एल्यूवियल सॉइल आती है थोड़ा गुजरात वाले नदन पार्ट ऑफ गुजरात ले लो उत्तर प्रदेश का रीजन ले लो ठीक है देन आपका आसाम में मैंने बताया छोटा सा बीच का पार्ट आसाम का भी है तो ये आपका मेजर जो रीजन है ये आपका एल्यूवियल सॉइल का रीजन है एल्यूवियल साइल देखो थोड़ा थोड़ा तो थो पाई जाएगी हर जगह ही फिर यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स वाले पार्ट पार्ट में जो उड़ीसा के नीचे का पार्ट है इधर साइड मतलब आंध्रा और तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है कहना चाहिए इस रीजन में भी आपका बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट से जुड़ा हुआ ईस्टर्न कोस्ट से जुड़ा हुआ जो रीजन है वो भी आपका एल्यूवियल सॉइल का रीजन है तो इसको इंपॉर्टेंट रखना है याद रखना इंपॉर्टेंट है ये देन फॉरेस्ट सॉइल की अगर हम बात करें फॉरेस्ट सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली दो रीजन में पाई जाती है एक तो आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला रीजन तो ये आपका आपका फॉरेस्ट सॉइल कहां कहां है मेजर मेजर फॉरेस्ट सॉइल आपका जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रीजन में है देन इधर सिक्किम वाले पार्ट में भी आपका फॉरेस्ट ऑयल है एंड अरुणाचल प्रदेश का जो नदन पार्ट है जो तवांग वाला रीजन है वहां पर आपका क्या है कहना चाहिए फॉरेस्ट ऑयल है तो फॉरेस्ट ऑयल कहाँ कहाँ हमने देखी जम्मू कश्मीर लद्दाख में देखी इसके अलावा हमने देखा वो हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में उत्तराखंड वाले रीजन में देन सिक्किम में देखा और अरुणाचल प्रदेश के नदन पोर्शन जो तवांग वाला रीजन है वहाँ देखा ठीक है ना फिर हम देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल अब रेड एंड येलो सॉइल जो जिस रीजन में मेजरली पाई जाती है तो रेड एंड येलो सॉइल का जो मेजर रीजन है वो है आपका मध्य प्रदेश वाला पार्ट छत्तीसगढ़ वाला पार्ट थोड़ा सा झारखंड का पार्ट ये वाला जो रीजन है ये मेजर पोर्शन है तो मेजर जो आपका पोर्शन है वो ये रीजन है कहां का आ, किसका है ये रेड एंड येलो सॉइल का ये मेजर रीजन है याद रखिएगा एंड रेड एंड येलो का मेजर रीजन है आपका मध्य प्रदेश वाला पार्ट छत्तीसगढ़ वाला पार्ट थोड़ा सा झारखंड देन उड़ीसा का इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट देन यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपको कर्नाटका और ये सॉरी कर्नाटका तमिलनाडु एंड केरला में भी रीजन में आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी तो रेड एलोसो सोइल यहां पे भी आपको मिलेगी ठीक है ना ऑब्वियस सी बात है अगला है अगला ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो यहां पर आपको डेकन ट्रैप्स वाला पार्ट है ये महाराष्ट्र का ट्रैप्स वाला पार्ट है ना महाराष्ट्र का ये है प्लस आपका इधर मालवा रीजन जो मध्य प्रदेश का मालवा रीजन है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लैक सॉइल एंड यहां पर गुजरात का जो रीजन है गुजरात वाला इंपॉर्टेंट गुजरात का यहां पर नीचे का रीजन है तो ये भी तो कौन से तीन पार्ट ब्लैक सॉइल के बना है डेकन ट्रैप्स महाराष्ट्र वाला पोर्शन मध्य प्रदेश का मालवा वाला रीजन एंड देन मैंने गुजरात का थोड़ा सा पार्ट बताया हल्का सा पार्ट गुजरात का ठीक है ना एंड लास्ट फिर यहाँ पे हम देखते हैं लेटराइट सॉइल तो लेटराइट सॉइल देखो अगर आप यहाँ पे तो बिल्कुल ये वेस्टर्न घाट्स वाला जो पोर्शन है ना वेस्टर्न घाट्स का जो पोर्शन है वो लेटराइट सॉइल का पार्ट है देन ऐसे ही आपको बिल्कुल स्कैटर्ड मिलेगा आपको इधर तमिलनाडु और इस वाले रीजन में भी मिलेगा थोड़ा सा लेटराइट सॉइल ठीक है ना हल्की लेटराइट आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलेगी हल्की लेटराइट आपको इधर उड़ीसा वाले पार्ट में भी मिलेगी है ना तो इस तरह से स्कैटर्ड है लेटराइट सॉइल उड़ीसा वाले पार्ट में भी है देन आपका इधर आप देखें कि हल्का आपका हल्की एमपी वाले रीजन में भी है हल्का है ना तो इस तरीके से आपको लेटराइट सॉई मिलेगी ठीक है देन एरिड सॉइल एरिड सॉइल जो है आपकी देखो यहां पे एरिड सॉइल आपको ये राजस्थान वाले पार्ट में दिख रही होगी एरिड सॉइल आपका बिल्कुल राजस्थान वाले पोर्शन में एरिड सॉइल दिख रहा है ठीक है ना वो एरिड सॉइल का पार्ट है राजस्थान में ठीक है ना तो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स इन द मैप आई होप यू गॉट क्लैरिटी एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा रीजन का इसको दो तीन बार मैप कर लोगे ना आप लोग तो बहुत अच्छे से कर लोगे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो रेड एंड येलो सॉइल है वो आपका इस पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में भी स्कैटर्ड है रेड एंड येलो सॉइल आपका नॉर्थ ईस्ट वाला

अब आगे मूव करते हैं और एडिटोरियल ऑफ द डे वाले पार्ट में हम आ चुके हैं ठीक है ना आ, एडिटोरियल ऑफ द डे में स्टार्ट करते हैं आज का जो एडिटोरियल मैंने उठाया पहला वो है ट्रिप ट्रिप्स वेवर इज यूजफुल बट नॉट अ मैजिक पिल तो यहाँ पर बात मैं दो तीन दिन से कर रहा था आप लोगों को कि इंडिया और अफ्रीकन जो कुछ नेशंस हैं उन्होंने कहा है कि कोविड रिलेटेड जो ड्रग्स हैं कोविड रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं मेडिसिन हैं प्लस कोविड रिलेटेड जो वैक्सीन है उसमें जो आ, कहना चाहिए ये पेटेंट वाली चीज़ें हैं इनको वेवर ऑफ़ मिलना चाहिए इनके इनमें वेवर ऑफ मिलना चाहिए ताकि जो या, आ, ऐसी कंट्रीज़ हैं वो इन कंपोनेंट्स को बिना किसी दिक्कत के मैन्यूफैक्चर कर सकें इन मेडिसिन को बिना किसी दिक्कत के मैनुफैक्चर कर सकें प्रोड्यूस कर सकें प्लस वैक्सीन्स को प्रोड्यूस कर सकें बिना किसी पेटेंट वायोलेशन के ठीक है ना पहले यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज फेवर में नहीं थी लेकिन यूएसए बाद में फेवर में आ गया अभी भी यूरोप में जर्मनी जैसी कंट्रीज़ हैं जो कि अभी भी फेवर में नहीं है तो ऑथर ने उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है कि क्या ये है कैसा है तो सबसे पहले हमने कौन कौन से सेक्शंस में वेवर ऑफ़ मांगा है तो ट्रिप्स के अग्रीमेंट में जो पार्ट सेक्शन वन है फोर है फाइव है और सेवन है सेक्शन वन फोर फाइव और सेवन में हमने वेवर मांगा है ये कौन कौन से पार्ट है ये कॉपी राइट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पेटेंट और अनडिस्क्लोज ट्रेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कौन कौन से पार्ट हैं सेक्शन वन जो है वो आपका कॉपी राइट से है सेक्शन फोर जो है वो आपका पेटेंट से डील करता है सेक्शन फाइव आपका सॉरी सेक्शन फोर आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन से डील करता है सेक्शन फाइव आपका पेटेंट से डील करता है सेक्शन सेवन आपका अनडिस्कलोज ट्रेड इंफॉर्मेशन से डील करता है तो यहां पर इन चारों में वेवर ऑफ मांगा गया है ठीक है ना अब यहां पे ऑथर का यह कहना है कि क्या वेवर ऑफ लीगली पॉसिबल है तो बिल्कुल सही बात है लीगली पॉसिबल है वेवर ऑफ और जो डब्ल्यू एग्रीमेंट है उसका आर्टिकल नाइन कहता है कि वेवर ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में किया जा सकता है तो खुद डब्ल्यू का एग्रीमेंट कहता है कि आर्टिकल नाइन नाइन बोलता है कि बहुत जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस होते हैं तो आप वेवर ऑफ कर सकते हैं ठीक है ना तो अबाउधर का ये कहना है कि जितना इजी सारी चीज़ें लगती हैं और यूएसए ने जितनी आसानी से कह दिया उतना आसान होता नहीं है फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन नाइन्टीज़ में एच आई वी एड्स जो था उसका क्राइसिस अफ्रीका में बहुत ज़्यादा था और ये जो नाइनटीन नाइन्टीज़ में अफ्रीका में मतलब इतना ज़्यादा एच आई वी एड्स का क्राइसिस था उसको देखने के बाद जो डिसीजन था वेविंग में वो दो हज़ार तीन में लिया गया ठीक है ना डिसीजन दो हज़ार तीन में लिया गया इसके बाद जब वे देखो वेवर ऑफ कहना कि हाँ हम हाँ, एग्री करते हैं अलग चीज है लेकिन जब वेवर ऑफ कंप्लीट होता है उसके बाद वो पेपर वर्क होता है मतलब कि पेपर में टर्म्स लिखे जाते हैं कोई भी अगर आप काम ऑर्डर देखो आदेश देखो अगर किसी गवर्नमेंट का कोई शासन का तो उसमें एक पूरा पेपर वर्क रहता है आपको दिखता है कि ठीक है फाइनल आदेश ये लेकिन उस आदेश को अगर आप पढ़ो तो उसमें एक एक वर्ड बहुत ही ज्यादा सोच करके लिखा जाता है कि कहीं कोई ऐसी चीज ना लिख दी जाए जो बाद में बैकफायर कर जाए तो जो पेपर टर्म्स हैं जो ये टर्म्स बनते हैं फाइनली वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और

आर सिंह तो कहना डब्ल्यूटीओ में बहुत आसान है लेकिन उसको पूरा करना उसका पेपर वर्क कंप्लीट करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है ठीक है ना दूसरा जो इशू है वो वहाँ पे ये है कि इंडिया और अफ्रीका जो था उन्होंने केवल वैक्सीन्स में वेवर नहीं मांगा था जैसा कि यूएसए कह रहा है तो यूएसए में जो जो उनकी यूएसटीआर की हेड हैं टाई करके उन्होंने तो क्या बोला है कि केवल वैक्सीन्स के लिए बोला है बट इंडिया और जो अफ्रीका था उसने थेरापिटिक्स टेक्नोलॉजी प्लस आपका जो मशीन्स है जो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं प्लस मेडिसिन प्लस वैक्सीन ये सारी चीजों के लिए वेवर मांगा मतलब कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड हर चीज के लिए वेवर मांगा था बट एक्चुअली वो जो कह रहे हैं वो केवल केवल वैक्सीन के लिए कह रहे हैं तो वो क्या इतना यूजफुल रहेगा हमारे लिए तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट अब यहां पर ऑथर ने बोला है कि क्या वेवर ऑफ देने से प्रोडक्शन हो जाएगा या सब कुछ है ऐसा बिल्कुल नहीं है वेवर ऑफ कोई मैजिक पिल नहीं है इसके बाद भी हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जैसे कि टेक्नोलॉल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जिन्होंने बनाया है अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करती हैं तब जाकर ना अफ्रीका जैसी कंट्रीज में प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन हो पाएगा अदरवाइज आप कैसे सोच सकते हैं कि अफ्रीका जैसी कंट्रीज में बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रोडक्शन कर सकते हैं तो कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ वेवर के भरोसे काम नहीं चलेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कोई प्ले करेगा एंड वो भी करने की जरूरत है प्लस जो दूसरा हमारा मिसमैच हो रहा है रिसेंटली रिगार्डिंग दैट कि केवल वो बोल रहे हैं वैक्सीन में लेकिन हम सारी चीजों में जो कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड उसमें बोल रहे हैं ठीक है ना सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट तो कुल मिलाकर के और एक लास्ट जो इश्यू है उठाया वो ये उठाया कि पहले तो वेवर ऑफ मिल जाए लेकिन हर कंट्री का खुद का लोकल भी डब्ल्यू टी और लोकल का डॉक्यूमेंटेशन भी होता है आईपी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन तो हमको अपने आईपी राइट्स में आई पी पॉलिसी में क्या चेंजेस करने हैं वो भी हमको पहले से तैयार करके रखना चाहिए कि अगर कल को वेवर मिलता है जल्दी से जल्दी तो हम किस तरीके इसको जल्दी, जल्दी जल्दी अपने कंट्री में अडॉप्ट कर सकते हैं ऐसा ना हो कि वहां वेवर मिल जाए फिर हम अपने लोकल पेपर वर्क में अटके रहें दीज आर द दिंग्स विच हैवीन मेन्शन बाय आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम दूसरा आर्टिकल जो है वो है आउटरीच एंड ओवररीच अभी आर्टिकल जो लिखा गया है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने और हाई हाईकोर्ट्स ने काफी ऐसे एक्शंस किए हैं जिसके कारण लोगों ने ये भी कहा है कि ये एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एंटर कर चुके हैं एंड जो ओवर एक जुडिशियल ओवर ब्रिज की हम बात करते हैं उस डोमेन में पहुंच गए फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बारह मेंबर नेशनल टास्क फोर्स क्रिएट किया है जो कि एलोकेट करेगा मेडिकल ऑक्सीजन टू द स्टेट्स एंड यूटीज तो एक्चुअल में ये काम किसका है यह तो एग्जीक्यूटिव का काम है लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद करवा रहा है तो कई लोग

दूसरी चीज ऑथर ने यह भी कहा कि सेवरल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर एग्जामिनिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक रिस्पांस मतलब स्टेट्स के रिस्पांस को एनालाइज कर रहे हैं इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स एंड ऑक्सीजन एंड द ट्रेंड डिड रेज कंसर्स अबाउट द जुडिशियल इनक्रोचिंग इन टू द एग्जीक्यूटिव डोमेन तो इन कारणों से ही कई जगहों पर यह कंसर्न रेज हुआ है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एंटर कर रही है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड हु हेड्स द द द बेंच प्रोसीडिंग्स हैज दैट कोर्ट नॉट अ एग्जीटिव रोल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का यह कहना है कि वी आर नॉट असर्बिंग असर रोल रादर राट वी आर वी आर फैसिलिटेटिंग अ डायलॉग अमंग स्टेक होल्डर है ना एंड ये चीज क्लियर जब तक रहगी तब तक ठीक है अरवाइज फिर डेंजरस ओवर रीच में कन्वर्ट हो सकता है सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट एल आगे करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कल भी मैंने आपको बताए थे अब यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था कि कई चीजें ऐसी एफ सी आर ए में कि जो एनजीओ है जो काम कर रही हैं रिगार्डिंग दैट वो मदद नहीं ले पा रहे हैं फॉरन कंट्रीब्यूशन की या फॉरन एड की क्यों क्योंकि देखो एफ सी आर ए में रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए थे जिसके अकॉर्डिंग इट इज कंपलसरी फॉर द एनजीओ टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन डेली तो मतलब एनजीओ के लिए मैंडेटरी है कि वो बैंक अकाउंट डेली में ओपन करें ठीक है ना बहुत सारे एन ऐसे हैं जो कि जिन्होंने ऐसा नहीं किया है ना इन द टाइम्स ऑफ कोविड और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा देन रजिस्टर्ड एन कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक तो रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है तो कोई एन जी अगर रजिस्टर्ड नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ तो वो इस तरीके से फिर नहीं कर सकती है मतलब कि फॉरन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती है और पांच पर्पस के लिए ही आप ले सकते हैं सोशल एजुकेशनल रिलीजियस इकोनॉमिक एंड कल्चरल तो जो कंट्रीब्यूशन uh, है वो कौन कौन से रीजन कारण मिल रहा है सोशल एजुकेशनल रिलीजियस इकोनॉमिक एंड कल्चरल तो यहाँ पे हेल्थ भी एक रीजन नहीं दिया हुआ है तो कुल मिलाकर ये भी एक इश्यू है तो इसीलिए फॉरन जो कंट्रीब्यूशन uh, है उसको लेने से पहले कई जो एनजी ओज बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो रही है एंड दे आर सींग दैट इट इज नाउ हैम्परिंग देयर वर्क दे कैन नॉट रिसीव द फॉरन एड फॉर इट दे आर नॉट एबल टू हेल्प इन सच एक्सेप्शन

रिगार्डिंग द निकोबार प्लान मैं आपको बता देता हूँ क्या है नीति आयोग ने क्या किया है अभी रिसेंटली उन्होंने अंडमान प्लान बताया था और एक निकोबार प्लान बनाया है निकोबार प्लान एक जो है डेवलपमेंटल प्लान रहेगा फॉर दैट रीजन निकोबार रीजन के लिए एक डेवलपमेंटल प्लान रहेगा है ना निकोबार प्लान के नाम से है एंड ये ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसमें डेवलपमेंटल वर्क करने के लिए नीति आयोग ने ये विजन बनाया है ग्रेट निकोबार आइलैंड में डेवलपमेंटल वर्क करने के लिए विजन बनाया है अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने अंडमान एंड निकोबार का जो मैप निकाला है तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नॉर्थ अंडमान वाला पोर्शन मैं पूरा मैप डिस्कस नहीं करूंगा मैं ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ नॉर्थ अंडमान वाला रीजन है फिर आपका मिडिल अंडमान आता है फिर आपका साउथ अंडमान आता है ठीक है ना फिर आपका लिटिल अंडमान आता है साउथ अंडमान के बाद आपका लिटिल अंडमान आता है फिर टेन डिग्री चैनल आता है फिर आपका कार निकोबार आता है देन आपका कार निकोबार आता है देन आपका लास्ट में लिटिल निकोबार आता है सबसे नीचे का जो पोर्शन है वो है ग्रेट निकोबार तो यहां आपको ग्रेट निकोबार दिखेगा तो ग्रेट निकोबार आपको मैंने बता दिया कितने लोकेशन में आता है और जो ऊपर से नीचे मैंने बताया ना ये ऑर्डर याद रखना इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ग्रेट निकोबार मैंने आपको बताया बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन ग्रेट निकोबार का पोर्शन है तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग द लोकेशन एज वेल तो अब हम अपनी न्यूज में आ जाते हैं वापस ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने नीति आयोग ने प्लान बनाया था अब एक इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी होती है जो कि ये देखती है कि क्या ये प्रोजेक्ट पॉसिबल है फीजिबल है या नहीं है या कितना फिजिबल है तो इन्होंने क्या किया है बहुत सारे कंसर्न्स बताए हैं लेकिन साथ ही इन्होंने पहला स्टेप क्लियर कर दिया है मतलब कि कंसर्न्स भी बताए हैं प्लस इन्होंने स्टेप्स भी क्लियर कर दिए मतलब कि स्टेप कैसे क्लियर कर दिया इट हैज रिकमेंडेड इट फॉर ग्रांट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो प्रोजेक्ट होता है उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया जाता है

सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देखिए जो ये परमिशन दी गई है इट इज़ गिवन जबकि इन्होंने खुद बताया था कि गलाथिया बे का जो रीज़न है द साइट ऑफ द पोर्ट एंड सेंटर पीस ऑफ द नीति आयोग प्रपोजल गलाथिया बे है ठीक है ना जो इस, इस प्र, प्रपोजल का जो सेंटर है वो है ग्रेट निकोबार के अंतर्गत गलाथिया बे अब गलाथिया बे जो है इट्स आइकॉनिक नेस्टिंग साइट ऑफ साइट ऑफ इंडियाज इंडिया ऑफ द एनिगमेटिक तो जाइंट लेदर बैग तो जायट लेदर बैग टर्टल जो है उसकी नेस्टिंग साइट है विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीन टर्टल याद रखेगा जायंट लेदर बैग टर्टल जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीन टर्टल है और उसकी नेस्टिंग साइट है गलाथिया बे जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में है गलाथिया बे तो ऑलरेडी कमेटी ने बताया है कि इस रीजन को इंपैक्ट पहुंचेगा बिकॉज ऑफ दैट और ये गलाथिया बे जो है रीजन है ये जायट लेदर बैग टर्टल की नेस्टिंग साइट है जैसे आपकी आप देख पा रहे हैं ऊपर गलाथिया बे नेस्टिंग साइट है ग्रेट निकोबार में ठीक है ना दूसरी चीज यहां पर अगर आप देखें द कमिटी ऑल्सो नोटेड दैट द साइट सिलेक्शन फॉर द पोर्ट हैड बीन डन मेनली ऑन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्राइटेरिया इग्नोरिंग द इनवायरमेंटल एस्पेक्ट तो कमिटी ने यह भी बताया कि जो लोकेशन uh, ढूंढी uh, गई है इसके लिए रिगार्डिंग uh, दैट ये इग्नोर करती है द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को एंड केवल केवल ये टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बेसिस पे इसको डिसाइड किया गया है ठीक है ना लेदर बैक टल्टल के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया फिर निकोबार मेगा पॉड और डिगोंग काउ इनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है देन ऑथर ने यहाँ पे ये यह बताया कि कमेटी हैज़ ऑल्सो आज फॉर डिटेल्स ऑफ द कॉरपोरेट इन्वायरमेंट पॉलिसी का ये जो कमेटी है इसने डिटेल्स मांगी हैं कॉरपोरेट इन्वायरमेंट पॉलिसी की भी ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो इम्प्लीमेंट करेगी प्रोजेक्ट को उसकी इसकी डिटेल्स मांगी है एंड uh, उस कंपनी की जो इम्प्लीमेंट करेगी क्या उसकी कोई इन्वायरमेंट पॉलिसी है या नहीं है ये सारी चीज़ें उन्होंने मांगी है डिमांड की है फ्रॉम फ्रॉम द फ्रॉम द नीति आयोग ठीक है ना और कौन कौन सी स्पीशीज है जो वहां पे है तो गलाथिया रीजन में कई क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड निकोबार श्रू है फिर ग्रेट निकोबार क्रेक है निकोबार फ्रॉग है निकोबार कैट स्नेक है न्यू श्रिंग स्किंक लिपिनिया लिपिनिया है uh, एक नई लिजर्ड डिबामस है है ना तो ये सारी स्पेशीज जो कि वहाँ पे जो पर लोकेटेड है एंड जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट

डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका के वहाँ पे लोकेटेड है हक्की पिक्की के जो दूसरे नाम है वो हरन शिकारी भी है, पाशी है पर चेनार चेनचार है एंड शिकारी शिकारी है इन कर्नाटक दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ़ द हक्की पिक्की कम्युनिटी इनकी जो लैंग्वेज है वो वागरी लैंग्वेज है ठीक है ना ठीक है ना एंड दे आर सराउंडेड बाय द द्रविडियन लैंग्वेजेस लेकिन वो लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज वागरी लैंग्वेज जो है वो इंडियन आर्यन लैंग्वेज है और ये द्रविडियन लैंग्वेज के अराउंड सराउंडेड जरूर है लेकिन ये बोलते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज है ठीक है ना एंड यूनेस्को है एज वन ऑफ़ द इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ठीक है ना तो ये काफी इंडेंजर्ड भी हैं तो इनको याद रखिएगा दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है तो ये मैंने आपको बता दिया न्यूज साउथ सुडान पार्लियामेंट डिजोल्व पार्लियामेंट एज पार्ट ऑफ द पीस अकॉर्ड तो साउथ सूडान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पार्लियामेंट को डिजोल्व कर दिया एज पार्ट ऑफ द पीस एग्रीमेंट एक्चुअली साउथ सूडान 2011 मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं साउथ सूडान याद रखेगा दो में इंडिपेंडेंट हुआ साउथ सूडान कब इंडिपेंडेंट हुआ दो में दो में वहां पर सिविल वॉर चालू हो गया पांच सालों तक सिविल वॉर चला 2018 तक सिविल वॉर चला और सिविल वॉर एंड करने के लिए एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था उस समय के प्रेसिडेंट सालवे कीर द्वारा एंड उस समय के जो डेप्यूटी थे आपके जो रेबल लीडर थे उनके बीच में ठीक है सालवे कीर और रेबल लीडर कौन से थे एक उनके रेबल लीडर थे उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ठीक है 2018 में ठीक है ना एंड म, माचार करके हैं यार कोई म, माचार है ना सो so, मचार वज द दे डेप्यूटी दे, 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 देर उस समय उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था 2013 में उसके बाद जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ ठीक है ना तो एग्रीमेंट के अंतर्गत एक नियम यह भी था कि एक नई लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई जाएगी एंड नई न्यू लेटिव बॉडी फॉर्मड यह ऐसा दो हजार अठारह के एग्रीमेंट में बोला गया था एंड uh, रीक माचार देखो, यहाँ देखो यहां पे नाम लिखा हुआ है रीक माचार वाज द नेम uh, ठीक है ना तो दिस वाज द थिंग तो ये उसके अंदर का एक पार्ट था कि नई लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई जाएगी तो जब नई लेजि बॉडी बनेगी उसको uh, उसमें जो लॉ मेकर्स रहेंगे दे विल बी फ्रॉम द अपोजिंग कैंप्स तो ये रीक माचार जो थे ये रेबल लीडर थे है ना जो कीर थे सालवे कीर थी वॉज द प्रेसिडेंट तो इन दोनों दोनों के जो अपोजिंग कैंप हैं, यहाँ सबके मेंबर्स रहेंगे लॉ मेकर्स रहेंगे इन दै न्यू बॉडी। तो आई होप यू होट कलरिटी रिगार्डिंग दट एज वेल सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, एंड आई होप यू लाइक आर वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आज के सवालों के आंसर्स मैं आपको बताता हूँ जो मैंने इस क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर्स बता दूँ आपको एमजी गायकवाड़ कमीशन मैंने पूछा था इसका आंसर है बी रिजर्वेशन टू द मराठा कम्युनिटी सेकंड हंड्रेड एंड सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट का क्वेश्चन है तो कल मैंने आपको पढ़ाया था संडे को दोनों ही स्टेटमेंट सही है सी विल बी दी आंसर एंड तीसरा सवाल पूछा था रोक प्लानट का तो रोक प्लानट होता है बी यानी कि एक ऐसा प्लान जो कि किसी स्टार को ऑर्बिट नहीं करता है ठीक है सो दीज आर द थिंग्स दैट इज इट फॉर द डे थैंक यू कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे